हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 27 मई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 27 मई 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे डेली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और डेली आप डिटेल के साथ करंट अफेयर पाते रहें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी एग्जाम की, लाइक एनटीपीसी, एमटीएस, ग्रुप डी, एसएससी, सीएचएसएल, तो बिना अगर प्रैक्टिस सेट के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप दोस्तों कंपटीशन में पीछे रह जाने वाले हो। लास्ट टाइम बचा हुआ है, ऐसे में अब आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हो तो दोस्तों ना सिर्फ आप स्पीड में इम्प्रूवमेंट देखोगे अपने, बल्कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्या क्या पोर्शन आपका वीक है, कहां कहां पर अभी आपको तैयारी करने की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें भी पता लगती हैं। आरआरबी एनटीपीसी दोस्तों बहुत बड़ा एग्जाम है, CBT 2, और इसके लिए टेस्ट बुक ने अपडेटेड मॉक टेस्ट लाए हुए हैं। इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस सेट रिसेंटली ऐड किए गए हैं। लेवल 4 लेवल 6 के एग्जाम को देखते हुए एनटीपीसी CBT 2 में आने वाले लेवल्स के एग्जाम के लिए और ज़्यादा मॉक टेस्ट में ऐड किए गए हैं, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर, तो आप इसे एनरोल कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो तो आपको अंदाजा लगेगा कि आप कितनी देर में, कितने समय में क्या चीजें सॉल्व कर पा रहे हो। तो अब समय बहुत कम बचा हुआ है, अभी से ही आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, आपको प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सको। 50% से ज्यादा आपके स्कोर इंक्रीज हो जाते हैं अगर आप डेली एक मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो। तो टेस्ट बुक पास पे दोस्तों आप लोग 38,000+ मॉक टेस्ट प्राप्त कर पाओगे 520+ एग्जाम्स के। अभी के लिए यहाँ पर 10% का डिस्काउंट आपको मिल सकता है अगर आप कूपन कोड में MJT इंटर करते हैं। तो जाइए, टेस्ट बुक का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ से जा करके आप टेस्ट बुक पास परचेज कीजिए और कूपन कोड में डालना मत भूलना MJT, जिससे आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि कितने लोगों ने लिया है और कौन कौन लोग लेने जा रहे हो। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की, कहीं आप भूल ना जाओ, कर लेते हैं क्विकली रिवीजन। अभी हाल ही में विश्व थायराइड जागरूकता दिवस बनाया गया 25 मई को। टेड्रोस एधनोम एक बार फिर से WHO के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। विश्व वायु शक्ति सूचकांक, इसमें भारतीय वायुसेना दोस्तों तीसरे स्थान पर है। और वहीं फैन क्रेज को दोस्तों महिला T20 चैलेंज के लिए BCCI का ऑफिशियल पार्टनर चुना गया है। कृष्णन एंड विजय लक्ष्मी, इन दोनों को संगीत कला निधि पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है, सम्मानित किया गया है। SBI ने दोस्तों अभी योनो प्लेटफॉर्म पर, SBI का जो योनो प्लेटफॉर्म है इस पर रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट एक सुविधा शुरू की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आभा नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और शिखर धवन 700 चौकों के साथ दोस्तों IPL में चौके सबसे ज्यादा लगाने वाले बन गए पहले खिलाड़ी। और अभी NSDL ने 75 शहरों में मार्केट का एकलव्य एक्सप्रेस लॉन्च किया हुआ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में जापान है टॉप पर। ये तो थे दोस्तों टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब बात करेंगे आज के दिन के शानदार क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, RBI ने किस देश के साथ व्यापार लेन देन को भारतीय रुपए में निपटाने की अनुमति दी है? तो दोस्तों RBI ने मंजूरी दी है श्रीलंका को कि अब वो अपना विदेशी व्यापार लेन देन जो है वो भारतीय मुद्रा में निपटा सकता है, ट्रांजेक्शन कर सकता है। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि दोस्तों श्रीलंका की करेंसी कोलैप्स हो चुकी है। और आप सबको पता होगा दोस्तों, जब किसी देश की करेंसी कोलैप्स हो जाती है तब कोई देश उससे व्यापार करना नहीं चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि इनकी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है, इनकी करेंसी 2 करोड़ की हो गई है, तो इनसे अगर व्यापार करेंगे, अपनी करेंसी में देंगे, तो फिर हमें क्या मतलब होगा, ठीक है, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आज के टाइम पर RBI ने ये बहुत बड़ी हेल्प करी हुई है श्रीलंका की। इन्होंने कहा है, RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि श्रीलंका से कि चलो ठीक है, आप $1 बिलियन तक आप यूज करो भारतीय करेंसी अपने व्यापार में, अपने ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीट करने के लिए, जो भी अपना आपका बचा हुआ है ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करो $1 बिलियन तक भारतीय मुद्रा में, भारत की मुद्रा की वैल्यू है। तो कोई भी देश होगा या कोई भी व्यापारी होगा, कोई भी एक्सपोर्टर होगा, इम्पोर्टर होगा, वो इसको अगर यूज करेगा तो आराम से हर जगह पर व्यापार कर सकेगा। तो ये बहुत बड़ी हेल्प है, एक बार फिर से श्रीलंका की हेल्प करी हुई है इंडिया ने। इंडिया अभी दोस्तों $1 मिलियन के ऋण की गारंटी को भी मंजूरी दिया हुआ है। इसके अलावा भोजन, दवा, गैसोलीन, औद्योगिक कच्चे माल, ये सब चीज़ें की आपूर्ति तो कर ही रहा है भारत। श्रीलंका में दोस्तों अभी प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ के इस्तीफा दे दिया था, कौन थे, महिंदा राजपक्षे। नए कौन बने हैं, रॉनिल विक्रम सिंधे, इनका भी नाम आप याद रखेंगे।
अगला, हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर कौन बनी? तो दोस्तों अभी हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर पायलट बन गई हैं कैप्टन अभिलाषा बराक। कैप्टन अभिलाषा बराक यहां पर हैं, देख रहे हैं आप इमेज में, बहुत ही प्राउड मोमेंट था इंडिया के लिए कल। तो ये भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बन गई हैं, इनको कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प में शामिल किया गया है। अभी नासिक में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल में, और वहीं पर इनको शामिल किया गया है। तो ये बन गई भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर पायलट। भावना कांत का नाम आपने सुना ही होगा, गणतंत्र दिवस की परेड में दोस्तों फाइटर प्लेन उड़ाने वाली ये पहली महिला पायलट बनी थी, फाइटर पायलट बनी थी, क्लियर। अगला, हाल ही में ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है ओडिशा में, ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम ओडिशा में। दोस्तों अभी हाल ही में ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है, इसमें अभिनव इंदिरा फाउंडेशन ट्रस्ट और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ये भी इसमें शामिल है, इन सबके सहयोग से ये स्थापित किया गया है। ये एक वैल्यू बेस्ड एक पाठ्यक्रम होगा, सिलेबस होगा, जो राउर केला और भुवनेश्वर में शुरू किया जा रहा है। अभी यहाँ पर 90 स्कूलों में शुरू किया जा रहा है, जिसमें 32,000 से ज़्यादा बच्चे शामिल होने वाले हैं, और इसमें फोकस ये होगा कि कैसे वैल्यू ऐड किया जाए ओलंपिक के लिए जो स्टूडेंट्स तैयार हो रहे हैं उनमें। तो भारत के ओलंपिक ओडिशा में ये चीज़ें शुरू हो रही हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें तो 23 जून 1894 में स्थापित हुआ था, पेरिस फ्रांस में स्थापित हुआ था, लेकिन इसका हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड में। महानिदेशक हैं क्रिस्टोफ डी केपर। उड़ीसा राज्य आया है और खेल आया है, तो दोस्तों यहाँ से कुछ पॉइंट्स बनते हैं खेलों के जिनको आपको याद रखना है। जैसे अभी दोस्तों उड़ीसा ने अभी 10 सालों तक भारतीय पुरुष हॉकी टीम और भारतीय महिला हॉकी टीम इनको स्पॉन्सर करने वाला ये पहला राज्य बना था, पहला ऐसा राज्य जो स्पॉन्सर कर रहा है किसी खेल को, किसी खेल की भारतीय टीम को। इसके अलावा उड़ीसा में ही राउरकेला में, यहाँ पर आपको राउरकेला दिख रहा है ना, राउरकेला में ही होगा 2023 का हॉकी विश्व कप, ठीक है। तो इसकी मेजबानी राउरकेला में होगा, और राउरकेला में ही एक स्टेडियम अभी बनाया गया है बिरसा मुंडा जी के नाम पर, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, ठीक है। और 2018 में भी मेजबानी यही किया था। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने ही अभी लोगो वगैरह का अभी अनाउंसमेंट कर दिया है कि क्या लोगो रहेगा, क्या मस्कट रहेगा, क्लियर है। ये चीजें हैं उड़ीसा से आपको याद रखनी। अगला, बहरीन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो अभी बहरीन में दोस्तों पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप आयोजित हुई, इसमें भारतीय टीम ने या कहें भारतीय खिलाड़ियों ने टोटल 23 मेडल जीते हुए हैं। बहुत बड़ी अचीवमेंट रही। अब देखिए खेल सेक्टर में इंडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप पैरालंपिक देखो, पैरा बैडमिंटन देखो, इसके बाद फिर आप दृष्टिबाधित का देखो आप, ठीक है, डीफ ओलंपिक में आपने देखा कितना अच्छा प्रदर्शन हुआ। हर एक स्पोर्ट में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, मेडल टेबल्स में सुधार देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भारत ने 23 मेडल जीते हैं पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में। पैरा बैडमिंटन बोले तो जो जो पैरा एथलीट होते हैं ना, जो दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं, उनके लिए जो बैडमिंटन का इंटरनेशनल चैंपियनशिप था वो था ये। इसमें भारतीय खिलाड़ियों ने 7 गोल्ड, 3 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते। टोटल 23 मेडल आए हैं भारत के, यहाँ पर 23 कर दीजिए, टोटल 23 मेडल आए हैं भारत के। डबल सटलर मनीषा रामदास ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। इसके अलावा प्रमोद भगत जो कि ओलंपिक पदक विजेता भी हैं इन्होंने, और तरुण ढिल्लो ने, इन्होंने भी 2-2 गोल्ड जीते हुए हैं। इस प्रकार से 7 गोल्ड टोटल हुए हैं, 1 गोल्ड और आया है। अगला, जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला देश का पहला मेट्रो शहर कौन बना? तो दोस्तों अभी हाल ही में पहली मेट्रो सिटी बन गई है कोलकाता, जो बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर पाई हुई है। अब ये बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर क्या होता है, यानी जैव विविधता रजिस्टर क्या होता है, इसको समझिए। जब दोस्तों किसी सिटी में कितने प्रकार के जैव विविधताएं रह रही हैं, कितने प्रकार के फूल हैं, कितने प्रकार के जीवों की प्रजातियां हैं, कितने किस्म के पौधे, पेड़ पौधे, जीव जंतु रहते हैं, ये सब का एक डाटा मिल जाए आपको, ठीक है, एक पूरा रजिस्टर मिल जाए जिसमें उस सिटी के पूरे बायोडाइवर्सिटी के बारे में पूरा डिटेल्स हो, उसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। तो ये पाने वाला पहला मेट्रो सिटी बन गया है कोलकाता। इससे पहले 2 शहर आ चुके हैं, चंडीगढ़ और इंदौर। याद रखिएगा, अगर पहला शहर पूछा जाए तो आप बताएंगे चंडीगढ़, ठीक है, और इंदौर भी है, और कोलकाता बना है पहला मेट्रो सिटी, ठीक है। मेट्रो सिटी पूछा जाए तब कोलकाता आप बताएंगे।
अभी राज्य जैव विविधता बोर्ड यानी स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड के देखरेख में इसको जैव विविधता प्रबंधन समिति द्वारा तैयार किया गया है। ओके, पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर। अच्छा, ये बायोडायवर्सिटी डे अभी मनाया गया था, याद होगा आपको, कब मनाया गया? 22 मई को। कमेंट करके बताओ मुझे इसकी थीम क्या रखी गई थी। अगला, हाल ही में महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? अभी हाल ही में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ये ऐसा एक यूनिक दोस्तों कॉन्फ्रेंस था, अभी ये आयोजित किया गया और इसमें रामनाथ कोविंद जी ने इसका उद्घाटन किया है और समापन इसका किया है जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जी ने। 2 दिवसीय ये है, ठीक है, 2 दिवसीय सम्मेलन है और इसमें महिलाओं के अधिकार, लैंगिक समानता, निर्णय लेने वाली संस्थाओं में पर्याप्त महिला का प्रतिनिधित्व, ये सभी मुद्दों पर बातचीत चलेगी। तो देश भर की बहुत बड़ी संख्याओं में यहाँ पर महिला सांसद जुटेंगी और विधायक जुटेंगी, ठीक है, क्योंकि ये महिला विधायकों और सांसदों पर ही सम्मेलन है। यहाँ पर अगर बात करें गुजरात विधानसभा की अध्यक्ष हैं दोस्तों नीमा बेन आचार्य, ये भी शामिल होने वाली हैं, और उत्तराखंड की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर अभी रितु खंडूरी बनाई गई, ये भी शामिल होने वाली है। ऐसे देश भर की तमाम महिलाएं शामिल होंगी जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकीकृत कृषि विकास योजना शुरू किया? तो अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने एकीकृत कृषि विकास योजना शुरू किया है। तमिलनाडु स्टेट में ये शुरू किया गया है, ये किसानों के विकास के लिए, किसानों के समग्र विकास के लिए शुरू किया गया है, बहुत ही बड़ी योजना है दोस्तों। इस योजना का पूरा नाम है कलिंगनरीन ऑल विलेज इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके तहत क्या होगा कि अगले 5 वर्षों में केंद्र सरकार की मदद से और राज्य सरकार की मदद से जो भी योजनाएं हैं इनको, साथ ही साथ जो अगर प्राइवेट सेक्टर की कोई योजनाएं हैं, इन सब को एक करके, सबको ट्रैक करके 15,525 ग्राम पंचायतें जो कि टोटल है तमिलनाडु में, यहाँ पर समग्र कृषि विकास किया जाएगा, ओवरऑल एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट किया जाएगा सभी को एक साथ मिला करके, ठीक है। तो इस कार्यक्रम से 9 लाख से ज़्यादा किसान परिवार लाभान्वित होने वाले हैं। तो तमिलनाडु सरकार ने ये शुरू किया है एकीकृत कृषि विकास योजना, मतलब सबको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। अगला देखते हैं, हाल ही में जेएसडब्ल्यू वन प्लेटफॉर्म के नए सीईओ कौन बने? तो जेएसडब्ल्यू वन प्लेटफॉर्म के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए हैं दोस्तों गौरव सचदेवा। गौरव सचदेवा जेएसडब्ल्यू वन के बने हैं नए सीईओ। जेएसडब्ल्यू वन जो है ये जेएसडब्ल्यू स्टील जो कंपनी है ना, उसी की एक यूनिट है और ये एक प्रकार से ई कॉमर्स उद्यम है, यानी जेएसडब्ल्यू ग्रुप जो है उसका ई कॉमर्स उद्यम जो है उसका नाम है जेएसडब्ल्यू वन, ठीक है। तो इसके ये बनाए गए हैं सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जेएसडब्ल्यू अगर हम लोग बात करें ग्रुप की, तो इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है, इसके संस्थापक हैं सज्जन जिंदल। सज्जन जिंदल को ही दोस्तों अभी आपको याद होगा अक्टूबर 2021 में मैंने आपको बताया था इनको वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष भी चुना गया है, ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला देखते हैं, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की निगरानी के लिए कितने सदस्यीय समिति की नियुक्ति की है? तो सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसकी निगरानी के लिए अभी 3 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी का काम ये होगा कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में देखा जाए, चेक किया जाए, जांच किया जाए, कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं चल रही है, कहीं कोई फिक्सिंग के मामले या फिर कोई ऐसा कोई मामला तो नहीं चल रहा है, डोपिंग का मामला तो नहीं चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें इसमें चेक की जाएंगी। तो इस कमेटी में कौन कौन है? इसमें पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर SY कुरैशी हैं। इसके अलावा भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान भास्कर गांगुली हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस AR दबे हैं, यही इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, ठीक है, जस्टिस AR दबे। तो इनके नेतृत्व में दोस्तों राष्ट्रीय खेल संहिता और मॉडल दिशा निर्देशों के अनुसार इस कमेटी को का गठन किया गया है। कल एक स्टूडेंट दोस्तों व्हाट्सएप पर अपने एग्जाम का कुछ क्वेश्चंस भेजा था, क्वेश्चन वो एक एग्जाम दे करके आया हुआ था और वहाँ पर अपने क्वेश्चंस उसने भेज रखे थे। वो एक्चुअली में अप्रैल तक की ई बुक लिया था, उसका कहना ये था कि सर आपकी ई बुक से नहीं क्वेश्चन पूछा गया, और आपकी ई बुक से केवल 3 क्वेश्चन पूछे गए। और उसके बाद वो क्वेश्चन दिखाना शुरू किया, जब क्वेश्चन से मांगा गया तो पता लगा कि वो क्वेश्चन जो थे
वो क्वेश्चन कहीं 5 मई से पूछे गए थे, कहीं 13 मई से पूछे गए थे, कहीं 17 मई से पूछे गए थे, कहीं 8 मई से पूछे गए थे, और वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आप उसको स्क्रीनशॉट ले लेकर के बताया कि हमने वीडियोज में किस किस तारीख में बताया हुआ है आपको डेली करंट अफेयर में। दिक्कत क्या हुई, मैं यहाँ पर ये चीज़ आपको क्यों बता रहा हूँ, देखिए अगर आप मई में एग्जाम देने जा रहे हो और अगर आप 20 मई को आपका कोई एग्जाम है या मान लीजिए 22 मई को कोई एग्जाम है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि 1 मई से 15 मई तक का आप करंट अफेयर भी तैयार करके जाओ, यानी कि एग्जाम से 7 दिन पहले तक का आपको करंट अफेयर तैयार होना चाहिए। उनकी गलती ये थी कि वो अप्रैल तक लिए थे ई बुक, ठीक है, और उनके एग्जाम में मई से भी क्वेश्चन पूछा गया, अप्रैल से भी 3 क्वेश्चन पूछे गए, मतलब कि उसके पहले के भी 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, अप्रैल से ही नहीं उसके पहले के भी 3 क्वेश्चन थे, लेकिन इसके बाद यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए गए मई महीने से। ये चीज़ें मैं इसलिए बताता हूँ जिससे आपको ये पता लगे कि कहाँ तक आपको पढ़ के जाना है, पीछे तो आप पढ़ते जाते ही हो, आगे आपको रिसेंटली कहाँ तक पढ़ना है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अभी मई मंथ की ई बुक तो आई नहीं थी, तो इस वजह से ये नहीं पाए थे। जो लोग ई बुक लेते हैं, केवल ई बुक से पढ़ाई करते हैं, तो उनका भी 100% कवर होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी मई की ई बुक आई नहीं, मई मंथ जब कंप्लीट होगा तभी ई बुक आएगी। ऐसे में उनको अगर मंथली करंट अफेयर की वीडियो ही देख ली होते तब भी ये सारे क्वेश्चंस मिल जाते उनको। मंथली करंट अफेयर की वीडियो जो मैंने 2 पार्ट में अपलोड करता हूँ मैं हर महीने, 1 से 15 मई तक, उसके बाद फिर 16 से 31 मई, ऐसे अपलोड होता है ना 2 पार्ट में, तो अगर ये पहला पार्ट देख करके भी गए होते तब भी ये 4 क्वेश्चन को मिल गए होते, लेकिन ये क्या किए कि केवल अप्रैल तक पढ़ाई किए थे। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको अगर मान लो कि अगर आप पिछले महीने तक ही पढ़े हो और 15 के बाद आपका कोई एग्जाम लगा हुआ है, 15 फर्स्ट हाफ के बाद, तो जो करंट अफेयर की वीडियो आ जाती है एटलीस्ट उसको देख लिया करो। अगर आप डेली करंट अफेयर नहीं देख पाते हो तो डेली करंट अफेयर अगर देखते हो तो बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा है, ठीक है। अगला, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लिसन टू योर हर्ट द लंदन एडवेंचर के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड दोस्तों बहुत ही फेमस ये राइटर हैं और बच्चों की पुस्तकों को लिखने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो इन्होंने अभी रिसेंटली अपनी नई पुस्तक लिखी है, लिसन टू योर हर्ट, ठीक है। तो इस पुस्तक को इन्होंने अपने बर्थडे पर लॉन्च किया, इनका 88वां जन्मदिन है और 88वें जन्मदिन पर इन्होंने इसे प्रकाशित किया पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा, ठीक है। ये भारत में जन्मे थे, रहते तो लंदन में है लेकिन भारत में जन्मे थे, कसौली हिमाचल प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, क्लियर है। तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और हाँ, फिर से मैं कह रहा हूँ, डेली करंट अफेयर को आप लोग कोशिश किया करो रोजाना फॉलो करने की। अगर आपको सुबह में टाइम नहीं मिल पा रहा है, दिन भर में कभी भी टाइम निकाल करके देखो, लेकिन कोई वीडियो मिस ना करो। कोई सभी वीडियो मिस करोगे दोस्तों क्वेश्चन छूटने के चांसेस हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो सन 2000 से ये शुरू किया गया और पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पर खोला गया? मध्य प्रदेश में खोला गया, ठीक है। पहला ड्रोन महोत्सव भी यहीं पर मनाया गया। अब आज के दिन के 2 क्वेश्चन हैं आपसे, इनका आप आंसर कर दो। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? अगला, WEF की ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता होगा डिटेल में जरूर लिखना। इसकी क्विज और PDF मिल जाएगी MZT ऐप पर, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए बस फिलहाल इतना ही रखते हैं वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।